चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोकर की मुलाकात हुई। चीफ सेक्रेटरी ने चीफ जस्टिस को डैम फंड के लिए 1 अरब रुपए का चेक पेश किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोकर की मुलाकात हुई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने चीफ जस्टिस को डैम फंड के लिए 1 अरब रुपए का चेक भी पेश किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोकर की मुलाकात हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिएगा तफसीलात से। लिए जो अतियात हैं वो जमा करवाने का सिलसिला जारी है। आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब नसीम खोकर ने 1 अरब रुपए का चेक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार के हवाले किया, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि डैम फंड के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो इकदाम है इसे हम सराहते हैं और कदर की निगाह से देखते हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जावर अली भी मौजूद थे। इससे कबल भी जिंदगी के दीगर शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने डैम फंड में अपने अपने जो पैसे से हिस्सा था वो डाला, और अभी तक बदस्तूर ये सिलसिला जारी है।